तो गाइस आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही बेहतरीन सी बिना मोल्ड के, बिना चॉकलेट के और बिना किसी झंझट के केवल तीन चीज़ों से बनने वाली ओरियो बिस्किट चॉकलेट आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है और ये खाने बहुत अमेजिंग लगती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। और ये बिस्किट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 10 रुपये का चॉकलेट फ्लेवर वाला ओरियो बिस्किट। यहाँ पर मैं 2 बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहला वाला ले लिया है और इस तरीके से कैंची की सहायता से मैं इसे कट कर दूँगी। और कट करने के बाद अब हम इसके अंदर जो बिस्किट हैं उन्हें बाहर निकालेंगे। तो ध्यान रहे, जब हम बिस्किटों को बाहर निकालें तो बहुत हल्के हाथों से बिहेव करना है, यानी कि जो बिस्किट हैं बहुत हल्के हाथों से निकालने हैं। अगर हम फास्ट फास्ट कर देंगे तो जो हमारा पैकेट है फट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये मैं बिना मोल्ड के बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे पैकेट को सेफ रखना है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये निकल आते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इन्हें मैश भी कर सकते हैं, तब इन्हें निकाल सकते हैं अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत आ रही है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे पैकेट के बिस्किट निकाल लूँगी। तो गाइस ये आइसक्रीम खाने बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पैकेटों से बिस्किटें बाहर निकाल लिए हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाने के लिए ऐड कर रही हूँ एक बनाना। इस तरीके से मैंने इसे पीसेस में कट करके लिया है। अगर आपके पास बनाना है तो ऐड करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दीजिए। लेकिन बनाना से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप दूध। यहाँ पर दूध मैंने लिया है वो ठंडा है। और अच्छे से इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा आइसक्रीम का बेस है तैयार हो चुका है और कितना चॉकलेटी और एकदम क्रीमी बना है। अब हम फटाफट से इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मोल्ड तो नहीं लिए हैं मैंने, यहाँ पर जो पैकेट लिए हैं ना उन्हें ही मैंने इस तरीके से ग्लासेस में सेट कर लिया है। अब देख सकते हैं, अब हम इस पेस्ट को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें लगा देंगे आइसक्रीम स्टिक। और आइसक्रीम स्टिक लगाने के बाद अब मैं इसे जमने के लिए रख दूँगी। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट जमा सकते हैं या फिर 7 से 8 घंटे, यानी कि हमें इसे तब तक जमाना है जब तक जो हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम नहीं जाती। तो बाकी का पेस्ट मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं इस तरीके से इस ग्लास में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ट्रांसफ़र करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे, इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो लीजिए, इस तरीके से ये भी तैयार हो चुका है हमारा, इसको भी हम जमने के लिए रख देंगे। तो अब हो चुके हैं यहाँ पर 7 से 8 घंटे और हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। तो फटाफट से इसे डीमोल्ड करेंगे इसे। और आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी आइसक्रीम को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए, टंटणान तैयार है हमारी यमी सी आइसक्रीम। और आप देख सकते हैं कितनी कम चीज़ों में बनके तैयार हुई है। और सर्व करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो गाइस आप देख सकते हैं केवल 3 चीज़ों से हमारी यमी सी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई और यमी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।